हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जीनेटिक्स, और इस पे चर्चा करने वाले हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इंटरेक्शन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लाइडी। इन टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। इसके अलावा भी टॉपिक रहेंगे जो हमारे पीसीएस में सिलेबस है या पीजीटी या टीजीटी में, और एक्स्ट्रा सिलेबस सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी परीक्षा में न पूछा गया हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिपोर्टेड इन, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें देखने को मिलता है, तो ऑफियोग्लासम रेटिकुलेटम में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम देखने को मिलता है। इनकी संख्या 1262 यानी 1262 क्रोमोसोम्स कॉमनली नोन एन एडर्स टंग फर्न। इसको क्या बोलते हैं? एडर टंग फर्न ऑफियोग्लासम को बोलते हैं। यूगोडिविरीज फर्स्ट ऑब्जर्व म्यूटेशन इन, तो ये किसमें उन्होंने देखा था? तो ऑर्निथेरा लैमार्कियानम देखा था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेसर जीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो रिप्रेसर जीन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो वो किसका प्रोडक्ट है? रिप्रेसर जीन, तो रिप्रेसर जीन जो प्रोडक्ट है वो रेगुलेटर जीन का। अच्छा क्वेश्चन है। रिप्रेसर जीन इज द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन। रिप्रेसर जीन इज ए डीएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन that inhibit the expression of one or more genes by the binding to the operator or associated replacement of one pyrimidine by another pyrimidine known as, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं transition। क्या बोलते हैं? transition के नाम से जानते हैं। जब एक pyrimidine दूसरे pyrimidine से replace हो जाती है तो उसे transition के नाम से जानते हैं। next question देख लेते हैं। कैरियोटाइप्स रिफर्स टू, कैरियोटाइप रिफर्स टू, कैरियोटाइप किसको रिफर्स करती है? तो फिनोटाइप अपीयरेंस द क्रोमोसोम सेट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, फिनोटाइपिक अपीयरेंस वन ऑफ क्रोमोसोम। तो ऑप्शन इसका कौन सा ही है? फिनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ ए क्रोमोसोम सेट। कैरियोटाइप रिफर्स द नंबर एंड अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। वोवेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, तो वोवेल हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो एफ एच सी क्रिक ने वोवेल हाइपोथेसिस प्रेजेंट की थी 1965 में। आरएनए पॉलीमरेज अटैच ऑन द डीएनए एट, आरएनए जो पॉलीमरेज होता है अटैच रहता है ऑन द डीएनए एट, तो बताइएगा, तो ये कहां अटैच रहता है? तो ये प्रमोटर साइट पे अटैच रहता है। कहां रहता है? प्रमोटर साइट पे। आरएनए पॉलीमरेज अटैच ऑन द डीएनए एट प्रमोटर साइट। ओपरान कॉन्सेप्ट गिवन बाय, तो जैकब और मोनार्ड ने शायद दिया था इसको। हाँ वही सही, जैकब और मोनार्ड ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट म्यूटेजेंस, इसमें म्यूटेजेंस कौन सा नहीं है? तो एनटीजी और एक्रीफ्लेविन्स, तो इसमें 2,4-D म्यूटेजेंस नहीं, 2,4-D इज नॉट ए म्यूटेजेंस। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएस्टिक एसिड is a systematic herbicide which selectively kill most broad leaf weeds by causing uncontrolled growth. What will be the phenotypic ratio in the progeny, the cross? तो phenotypic ratio क्या होगा its cross का, बताएगा। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस विद द प्रोजिनी विल बी 27 एंड दियर रेशियो 8,4,4,2,4,2,2,1। इट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन फॉलोइंग, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, नॉन ऑफ द अबव। इन द ट्राइसोमिक, द ट्राइसोम इन एन आइसोक्रोमोसोम दिस टाइप ऑफ ट्राइसोमी विल बी, एक ट्राइसोमिक में ट्राइसोम एक आइसोक्रोमोसोम है, इस प्रकार ट्राइसोमी होती है। तो इस प्रकार की ट्राइसोमी सेकेंडरी ट्राइसोमी होती है। व्हेन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एन आइसोक्रोमोसोम द एन्यूप्लॉइड इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्राइसोमी, इट फार्मूला 2N+ आइसो।
वन क्रोमोसोम आर्म इज रिप्रेजेंटेड फोर टाइम इन द सेकेंडरी ट्राइसोमी. आइसोक्रोमोसोम इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर. व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द सेल्फ्ड प्रोजिनी ऑफ ए टेट्राप्लॉइड डुप्लेक्स. एक चतुर्गुणित डुप्लेक्स के स्व तो ऑप्शन इसका 35:1 है. लिंकेज ऑफ द जीन वाज डिस्कवर्ड बाय जीन संलग्नता की खोज किसने की थी तो टीएच मॉर्गन ने की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द जीनोटाइप ग्रोइंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट एंड शोइंग सिमिलर फिनोटाइप आर रिफर टू एज. दो जीनोटाइप भिन्न भिन्न पर्यावरण में उगते हुए समान फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं तो उनको हम बोलेंगे फिनोकॉपीज. बिल्कुल नया क्वेश्चन है, मुझे ये नहीं आता था, उसको बोलते हैं फिनोकॉपीज. ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है. सम प्लांट व्हेन ग्रोन ऑन द न्यूट्रिएंट रिच मीडियम एग्जिबिट सम फिनोटाइपिक चेंज विच द परसिस्ट फॉर सेवरल जनरेशन. दिस वॉज फाउंड ड्यू टू द एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन. दिस इज नोन एज. कुछ पादपों को जब अधिक पोषण वाले माध्यम पर उगाया जाता है तो उनमें कुछ फिनोटाइप परिवर्तन हो जाते हैं, वो हो जाता है जो कई पीढ़ियों तक स्थिर रहता है. यह जीन बहुलीकरण के कारण होता है और इसे हम क्या बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे. बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा. तो इसको बोलते हैं जीनोट्रॉपिक एक्सप्रेशन. क्या बोलते हैं? जीनोट्रॉपिक एक्सप्रेशन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है. जीनोट्रॉपिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं. सम प्लांट व्हेन ग्रोन ऑन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम एग्जिबिट सम फिनोटाइपिक चेंज विद परसिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए सिंगल जीन इफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइपिक इज कॉल्ड. जब एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं या ऑक्सोट्रॉपिक बोलते हैं, एजोट्रॉपिक बोलते हैं या प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं. देखिए यहाँ अंतर दिया प्लियोट्रॉफिक और प्लियोट्रॉपिक. तो प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं, प्लियोट्रॉफिक नहीं बोलते हैं. कन्फ्यूज किया है सिर्फ स्पेलिंग से. तो प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं. ए सिंगल जीन इफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक. दिस प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट द मेटाबोलिक पाथवे रिजल्टिंग द डिफरेंट फिनोटाइप्स. जीन वाई फॉर येलो स्किन इन माइस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई एंड इज द लीथल ऑफ होमोजाइगोसिटी विच इज फॉल द क्रॉसेस पॉसिबल अटेम्प्ट टू द ऑप्टेन एलो माइस. चूहों की पीली त्वचा का जीन प्रभावी वाई है, स्मॉल वाई और होमोगोस्टिन में लीथल है तो पीला चूहा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन संकरण संभव है तो बताएगा कौन संकरण इसमें संभव है. तो इसमें संक्रमण कौन सा संभव है? ए हेटरोजाइगस कंडीशन इसमें संभव है जिसमें प्योर एलो माइस मिलेगा, ये हाइब्रिड माइस मिलेगा, ये प्योर लीथल माइस मिलेगा. स्मॉल वाई वाई होना चाहिए इसका भाई, ये दोनों स्मॉल वाई होंगे तभी ये कैपिटल वाई गलत बना है, तभी लीथल होगा. व्हेन वन जीन हाइड्स द इफेक्ट द अनदर जीन द इंट्रैक्शन फैक्टर नोन एज. जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तब उस प्रतिक्रिया कारक को कहते हैं. जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको एपिस्टैटिक फैक्टर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक फैक्टर बोलते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. द जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इट वॉज प्रपोज्ड बाय. जीन गुण सूत्रों पर स्थित होते हैं, इस को प्रस्तावित किया था किसने प्रस्तावित किया था कि जीन क्रोमोसोम पर होते हैं तो इसको प्रस्तावित किया था मॉर्गन और ब्रिजेस ने. ध्यान रखिएगा. व्हेन F1 हाइब्रिड इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट होमोजाइगस पैटेंट पेरेंट्स होगा इज कॉल्ड. व्हेन F1 हाइब्रिड इंडिविजुअल क्रॉस्ड विद द डोमिनेंट तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. हु प्रपोज द मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन. जीन रेगुलेशन मॉडल किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने जीन रेगुलेशन मॉडल दिया था. तो ऑप्शन इसका ए सही होगा.
द मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन, अच्छा हो गया. व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए मोनोसोमिक प्लांट, तो 2n कितना होगा, 2n-1. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोनोसोमिक 2n-1, नलिसोमी शायद होता 2n-2 में भी. तो 2n-1 का मतलब हुआ मोनोसोमी और 2n-2 का हुआ, ये बहुत पूछते हैं नलिसोमी के नाम से जानते हैं. प्योर लाइन इज, तो प्योर लाइन क्या होता है, ये पौधों का सिलेक्शन होता है, ये प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है. पौधों की उपजात जो लक्षण के लिए समझात होते हैं आगे भी पृथक कर सकते हैं, ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका सी बता रहा है सही. स्थिर संकरों की उपजाति, अच्छा क्वेश्चन, स्थिर संकरों की उपजाति. लाइकोप्रान मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो जैकब और मोनार्ड ने दिया था. द साइटोलॉजिकल प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज प्रोवाइड द स्टर्न इन ड्रोसोफिला एंड बाय क्रिगेथन एंड मैक्लिंटक इन कॉर्न बाय यूटिलाइजिंग विच द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एब्रेशन, तो बताएगा. तो वो क्या था, ट्रांसलोकेशन था या इन्वर्जन था, ट्राइसोमी डिफिशियंसी. तो द क्रोमोसोमल एब्रेशन वाज इन्वर्सन, द ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर म्यूटेशन इज ए मिसिंग एक्स्ट्रा इरेगुलर पोर्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. इन्वर्जन इज द एक्शन ऑफ इन्वर्टिंग सम टाइम ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग इन्वर्टेड, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा. ए डिजीज कॉज्ड बाय ए रिसेसिव जीन, जो डिजीज रिसेसिव जीन से काल मतलब उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, तो इस स्किल सेल एनीमिया बोलते हैं, स्किल सेल एनीमिया कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन. द क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट इन द सेंटर इज कॉल्ड, तो उसे मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी सही होगा. द सेवन कैरेक्टर ऑफ गॉर्डन पी दैट मेंडल कंसीडर्ड वर लोकेटेड ऑन, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए वाटिका मटर के सातों गुण विद्यमान थे, तो कहां विद्यमान थे, क्रोमोसोम के चार जोड़ों पर, पांच जोड़ों पर, क्रोमोसोम के छह, क्रोमोसोम सात जोड़ों पर, तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा, चार पेयर ऑफ क्रोमोग्राम सूत्र के चार जोड़ों पर. द सेवन कैरेक्टर ऑफ गॉर्डन पी दैट मेंडल कंसीडर्ड वर लोकेटेड फोर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला था. ये आप देखिएगा, द जीन कंट्रोलिंग द सेवन पी कैरेक्टर स्टडीड बाय द मेंडल आर नाउ नोन बी लोकेटेड ऑन फोर डिफरेंट क्रोमोसोम, 1, 4, 5, 7 एंड नॉट 7 क्रोमोसोम. जीन फॉर सीड कलर फ्लावर आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम फर्स्ट, तो ये सब दिया हुआ था. तो ये मुझे भी जो मुझे मालूम, मैंने कहीं पढ़ा था 7 क्रोमोसोम, इसीलिए मुझे इसको रीचेक करने को लगा, मगर नहीं, ये चार क्रोमोसोम पे, जो सातों जीन थे ये चार क्रोमोसोम्स पे थे. तो ये क्वेश्चन अगर मैं करता तो गलत करता, तो ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको रीचेक किया. आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो सही है ए ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर ऑफ द डीएनए कंटेन अबाउट, 1 माइक्रोमीटर डीएनए में होता है लगभग कितने बेस पेयर होते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है. तो डीएनए कंपोज्ड विद द 3000 बेस पेयर इन न्यूक्लियोटाइड्स, द काउंटर लेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर पे कितने होंगे, 3000 बेस पेयर होंगे. जंपिंग जीन इन मेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो जंपिंग जीन किसने, बारबरा मैक्लिंटक ने इसको डिस्कवर्ड किया था. द सिंबल 2n-1 डिनोट्स, तो ये किसके लिए है, तो मोनोसोमी के लिए है. एक डबल मोनोसोमिक सही रूप से दर्शाया जाता है, तो एक सही मोनोसोमिक कैसे दर्शाया जाएगा, डी नंबर 2n-1-1. देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये उम्दा क्वेश्चन है, ये आपके उच्च लेवल के एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे और सबसे ज्यादा जेनेटिक फंसाती है. तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, अगर डबल मोनोसोमिक है तो 2n-1-1. ए क्रॉस बिटवीन ए हेटरोजाइगस विथ ए होमोजाइगस रिसेसिव, हेटरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव के संकरण को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं.
द प्लांट सेल कंटेनिंग 2n+1 क्रोमोसोम कॉल्ड, तो उसे ट्राइसोमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं. 2n+1 को ट्राइसोमी बोलते हैं. मेंडेलियन वाज रीडिस्कवर्ड बाय द थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट. विच फॉलोइंग वन ऑफ दिस साइंटिस्ट कौन कौन थे? तो इनमें से तो वो ये थे कोरियन सी. निम्नलिखित संक्रमण का लक्षण रूपी यानी फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? ए बी सी. तो इनका फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? तो इनका उसने फिनोटाइपिक अनुपात बताया 9:3:3:1. एक बार चेक कर लीजिएगा. हमने इसको चेक तो किया नहीं, या तो पेन कॉपी लेके बैठे. इन प्लांट ब्रीडिंग न्यू जीन्स कैन ओरिजिनेट थ्रू. पादप प्रजनन में नए वंशाणुओं का प्रादुर्भाव संभव है. पॉलीप्लाइडी से, म्यूटेशन से, सोमैटिक सेल फ्यूजन से, हाइब्रिडाइजेशन से. तो वो किससे संभव है? म्यूटेशन से. बड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई. इन ए थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस ए बी सी और ये दिया हुआ है. इंस्टेटेड द एट क्लासेस ओनली फॉलोइंग सिक्स क्लासेस वर ऑप्टेन ए बी सी. ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा. छह वर्ग पाए जाते हैं, ये क्रम है. आप इसका हमें सही ऑप्शन अगर कुछ पता चले तो बताइएगा. हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे इसके सही ऑप्शन आपको उपलब्ध कराएंगे. इसी के साथ नमस्कार.